मार्वल सीरीज की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म एवेंजर एंड गेम बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। 26 अप्रैल को रिलीज हुई एवेंजर्स एंड गेम अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। एवेंजर्स एंड गेम हाल ही में रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को भी मात दे चुकी है। ये इंडियन फैंस में मार्वल सुपर हीरो की फैन फॉलोइंग ही है कि फिल्म का अब तक का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 354 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक ये फिल्म कुल 350 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। एवेंजर्स एंडगेम के 400 करोड़ क्लब में शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 53 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये फिल्म एवेंजर्स सीरीज की आखिरी फिल्म थी जिसका एंड आयरन मैन की मौत के साथ होता है। आयरन मैन मार्वल सीरीज के कुछ सबसे पॉपुलर सुपर हीरो कैरेक्टर्स में से एक है। फिल्म के अब तक के पार्ट्स जहां फुल ऑफ एक्शन रहे हैं, वहीं एवेंजर सीरीज का ये पार्ट फुल ऑफ इमोशंस है। मेलोड्रामा फिल्में पसंद करने वाले भारतीय फैंस को इस फिल्म में एक्शन और इमोशन दोनों ही देखने को मिले। हालांकि फिल्म का क्लाइमैक्स ये भी सवाल छोड़ गया है कि क्या अब रॉबर्ट डाउनी कभी मार्वल फिल्मों में नजर आएंगे, भाई ये तो वक्त ही बताएगा। जहां एक तरफ भारत में मार्वल्स की एंडगेम ने धमाल मचाया हुआ है, तो वहीं चीन में श्रीदेवी की मॉम ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम महज 4 दिनों में 49 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और श्रीदेवी की ये आखिरी फिल्म लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है।